फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग हैं, चार फैक्टर्स ही हैं, चार फैक्टर्स ही हैं, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे, ठीक है ना। डीप, क्या डीप, डीईएपी, क्या डीईएपी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोलॉजी, ठीक है ना। अब हम लोग को इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, अब हम लोग क्या देखने हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। पहला एग्जाम्पल है नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में देखिए तो फिजियोग्राफी क्या है, अनफेवरेबल है, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स है जिसकी वजह से ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं और कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन फेवरेबल चीजें क्या क्या है, लेवल लैंड है, पॉपुलेशन डेंस है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला ना हम लोगों ने, और इकोनॉमी अच्छी क्योंकि वहां का एग्रीकल्चर क्या है, डेवलप्ड है। दूसरा देखे रखा हुआ है क्या, पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन की फिजियोग्राफी में क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने बोला पेनिनसुलर रीजन की फिजियोग्राफी में ये प्रॉब्लम है कि जो ट्रैक्स है उनको बहुत हाई गैप्स और टनल्स के थ्रू बनाना पड़ता है। हिमालयाज में भी क्या है, फिजियोग्राफी में प्रॉब्लम है, रिलीफ बहुत हाई, अच्छा पॉपुलेशन बहुत कम है, और इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इकोनॉमी भी कैसी है, अंडर डेवलप्ड है। फिर रेलवे इन राजस्थान में क्या प्रॉब्लम है, अगेन फिजियोग्राफी वाला प्रॉब्लम है कि आपको ट्रैक्स बनाना और मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, सिंक होती जाती है सैंड के अंदर, ठीक है। फिर राजस्थान देख लिया, फॉरेस्ट एरिया में क्या प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट बहुत डेंस होती है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओरिसा में, ओरिसा में हम लोग फॉरेस्ट के बीच में ट्रैक्स ले करना बहुत मुश्किल होता है। सह्याद्रीज में भी वही टनल्स और कनल्स के थ्रू ट्रैक्स बनाना क्या होता है, परेशानी होती है। कोंकण जो है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है इकोनॉमी की टर्म्स में, ठीक है, और वहां पर जब से हम लोगों ने रेलवेज बनाए हैं वहां पर बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स में बहुत इंक्रीज आया है और इकोनॉमी डेवलप हुई है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ रेलवे बनाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड भी बहुत होती है ज्यादा, और जो रेलवे ट्रैक्स आती है वो सिंक कर जाती है, ठीक है। तो ये क्या चीज थी, हम लोगों ने चार फैक्टर्स देखे थे, कौन से, डीईएपी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोग्राफी। तो हमने सबसे पहले ऊपर देखा नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स से एकदम नीचे आ गए कहां, पेनिनसुलर रीजन, फिर नॉर्थ में हिमालयस, फिर राजस्थान, फिर फॉरेस्ट एरियाज ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़ और ओरिसा, झारखंड, और फिर सह्याद्री, और लास्ट में कोंकण रेलवेज। इंडियन रेलवेज क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो बोला बहुत बार पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट्स, दूसरा थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, पंखे चुरा लेते हैं, ट्यूबलाइट्स चुरा लेते हैं, डैमेज टू प्रॉपर्टी ऐसे ही तोड़ देते हैं, एंड पीपल पुल चेन अननेसेसरीली, इज दैट क्लियर। पाइपलाइंस बहुत काम की चीजें, ये तीन चीजें ट्रांसपोर्ट करने काम आती है जनरली, पहला वाटर, दूसरा केमिकल्स और तीसरा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं, और नेचुरल गैस, ठीक है ना। आजकल सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसको ले डाउन करने का इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल रिपीटेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसमें कोई डिलेज और लॉसेस नहीं होते, ठीक है। और इनलैंड रिफाइनरीज जो है, जैसे कि मथुरा में है, ये बहुत ज्यादा क्या है, डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ दीज पाइपलाइंस। हमारे यहाँ तीन मेजर बड़ी पाइपलाइन है जो तुमको बाय हार्ट करके जानी है, आसाम टू कानपुर, सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, हजीरा टू जगदीशपुर, इसमें इसको बोलते हैं HBJ, हजीरा बिजाईपुर और जगदीशपुर, आई बात समझ में। इसकी पाइपलाइन की लेंथ 1700 किलोमीटर कुछ करके है, ये भी एग्जाम में आता है, शायद 1710 है, क्लियर है क्या। वॉटरवेज जो है वो हमारे यहाँ बहुत टाइम से है, ठीक है। वॉटरवेज जो है हम लोग बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, ये हेल्प करती है काय में, कॉमर्स और एग्रीकल्चर में और इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने में, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हैवी और बल्की गुड्स के लिए काम आता है, ठीक है।
और ये फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है इन कंपैरिजन टू रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। हमारे यहाँ इनलैंड नेविगेशन कितने का है? 14,500 का, ठीक है, जिसमें 14,500 किलोमीटर, जिसमें से 3,700 किलोमीटर नेविगेबल है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, तीनों बाय हार्ट होने चाहिए। नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पर है? रिवर गंगा पे, बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया। नेशनल वाटरवे 2 का है पे ब्रह्मपुत्र, सलिया एंड डुबरी। नेशनल वाटरवे 3 का है पे है वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, ठीक है। 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 वेस्ट कोस्ट बंगाल। गंगा वाला कहाँ? अलाहाबाद से हल्दिया, ब्रह्मपुत्र सदिया से डुबरी, और वेस्ट कोस्ट कोनाल कहाँ पर है? केरला में। क्लियर है? ये तो इनलैंड ट्रांसपोर्ट की बात हुई, ठीक है ना। इनलैंड ट्रांसपोर्ट के अलावा हम लोग जब क्या देखते हैं, ओशन वाला देखते हैं, तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। हमारे यहाँ 12 मेजर पोर्ट्स है जिसको हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, और माइनर पोर्ट्स भी हैं। इज दैट क्लियर? चलो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहला कौन सा है? कांडला, ठीक है। कांडला कहाँ पर है? कच्छ में है। फर्स्ट पोर्ट डेवलप हुआ था जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों हुआ था? टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। ये कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, और यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, स्पेसिफिकली कहाँ का? इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। सेकेंड है मुंबई पोर्ट, ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्यों बना था? टू डीकंजेस्ट मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। फिर इसके नीचे आओगे तो मार्मगांव पोर्ट कहाँ पर है? गोवा में। इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट, इंडिया का 50% आयरन एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? मार्मगांव पोर्ट से होता है। इसके बाद आता है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है कहाँ की? कुद्रेमुख माइंस का। कहाँ का? कुद्रेमुख माइंस। फिर आ जाओ कैम्बे कोची, ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, ठीक है, और इसके पास भी एक लगून है विथ अ नेचुरल हार्बर। ये वेस्ट कोस्ट वाले सारे खत्म हो गए। अब आ जाओ कैम्बे ईस्ट कोस्ट पे। सबसे पहला है टूटीकोरीन, साउथ ईस्टर्न पोर्ट है तमिलनाडु में, नेचुरल हार्बर है और रिच इन हिंटरलैंड। अगर बोलते हैं नेचुरल हार्बर वाले दो बताओ तो बता देना, एक कौन सा? कोची, और दूसरा कौन सा? टूटीकोरीन। अगर टाइडल पोर्ट बोलते हैं तो ऊपर वाले देख के बता देना। तो प्लीज ये छोटी छोटी बातें क्या रखना, याद रखना कि आयरन और कहाँ से एक्सपोर्ट होती है, टाइडल पोर्ट कौन सा है, मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए क्या बना था, कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए क्या बना था, ये छोटी छोटी चीजें प्लीज ध्यान रखना। चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, सेकेंड रैंक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉस्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यहाँ से आयरन एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, रिच हिंटरलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, टाइडल पोर्ट है, मिल गए दो तीन टाइडल पोर्ट, और इसको कांस्टेंट ड्रेजिंग की जरूरत पड़ती है। हल्दिया जो है ये क्यों बना था? कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको रिलीव करने के लिए बना था। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गए तुम्हारे 13 की 13 पोर्ट्स। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इट इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। आपका जितना अच्छा इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना अच्छा इकोनॉमिक बैरियर होगा, बैरोमीटर होगा, ठीक है ना। दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो उसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और उल्टा होगा तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इससे क्या फायदे होते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होने से हम लोग बहुत सारा क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाते हैं, और इससे हमारे मेजर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड से क्या होते हैं, ट्रेड रिलेशंस बने हुए रहते हैं। ये हमारे जीडीपी पे भी क्या करता है, जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, डाउनफॉल होगा, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ, क्योंकि वो पार्सल भी हैंडल करता है और पर्सनल लिटिल कम्युनिकेशन भी क्या करता है, हैंडल करता है।
जो फर्स्ट क्लास मेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एयरलिफ्ट होते हैं, एयरलिफ्ट मतलब प्लेन से जाते हैं। जो सेकेंड क्लास मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस मेल से जाते हैं, यानी कि लैंड और वाटर से जाते हैं। और क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स के लिए 6 नए मेल चैनल्स हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, राजधानी चैनल, एक्सप्रेस चैनल, इस तरह के 6 चैनल्स हैं। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है तो हाँ है। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन मैसेजेस और ये सारी चीजें, टेलीग्राम, पोस्टल, और मास कम्युनिकेशन मतलब टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। कार्ड्स और एनवेलप्स काय में आते हैं, फर्स्ट क्लास मेल में। सेकंड क्लास मेल में क्या आते हैं, बुक पैकेट्स और जो सरफेस मेल के थ्रू होते हैं, ठीक है। 6 चैनल्स के नाम याद रखना, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल,